गर्म पानी से नहाकर कसम से मजा आ जाता है। मगर ये डैंड्रफ क्यों इतना हो रहा है? कभी विंटर्स में ऐसा हुआ कि आपकी पीठ के ऊपर या फिर चेस्ट के ऊपर या फिर आपके पेट वाले एरिया के आसपास आपको ऐसा लगे जैसे कोई सुइयां चुभ रहा है? अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। What's up guys, Twenzy here। हाँ जी, तो guys ये जो दिसंबर जनवरी और फरवरी वाली ठंड होती है इसमें चाहे हमारा फेस हो चाहे हमारी बॉडी स्किन हो इवन बाल और स्कैल्प भी जो है वो इस सीजन के अंदर परेशान करते हैं। तो आज की वीडियो में guys इन्हीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे, 5 विंटर स्किन केयर टिप्स जो कि एक बार आपने जान लेना देन यू विल बी लाइक। तो भाई स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दो इस वीडियो को, लाइक टारगेट है 700 लाइक्स का। एंड गाइज लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1 इज वॉश योर फेस विद कोल्ड वाटर। यस, कोल्ड वाटर। हाँ मैं जानता हूँ कि गर्म पानी से मुंह धोने में जो है वो मजा आता है और इस कड़कती हुई ठंड में जो है वो ये चीज लॉजिकल भी लगती है, बट गाइज यही रीजन है आपकी स्किन के जो है वो ड्राई फ्लैंकी और जो है वो खिंची खिंची स्किन होने का। क्योंकि गाइज हॉट वाटर जो है वो आपकी स्किन को साफ करने के साथ साथ वो सारे एसेंशियल ऑयल्स भी रिमूव कर देता है जो कि आपकी स्किन को हेल्दी या फिर अच्छा रखने के लिए जरूरी है। एंड गाइज साथ के साथ ये आपकी स्किन के एसिड मेंटल को भी खराब कर देता है। अब मैं ज्यादा यहाँ पे साइंटिफिक नहीं जाऊंगा, बस मोटी मोटी बात यह है कि आपकी स्किन को खराब करता है। तो भाई क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 2022 में भी वो टिपिकल बॉडी सोप से जो है वो अगर आप फेस वॉश कर रहे हो, क्या बोलूं गाइज, एक माइल्ड क्लींजर आप यूज कीजिए, मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं जो आपकी स्किन टाइप को सूट करता हो। और कोशिश करो कि ठंडे पानी से मुंह धो, अगर ठंड बहुत ज्यादा है पॉसिबल नहीं है तो मिक्स कर लो ठंडा और गर्म, लेकिन वो गुनगुना हो जाना चाहिए लेकिन गर्म पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 यूज शावर जेल। कभी विंटर्स में ऐसा हुआ कि आपकी पीठ के ऊपर या फिर चेस्ट के ऊपर या फिर आपके पेट वाले एरिया के आसपास आपको ऐसा लगे जैसे कोई सुइयां चुभ रहा है? Yes, I'm talking about that। तो भैया उसका रीजन है आपके ये हार्श केमिकल से बने हुए बॉडी सोप्स जिनसे रगड़ रगड़ के आप जो है वो नहाते हो और ये आपकी स्किन को करते हैं ड्राई एंड इची। तो क्या यूज करें? तो गाइज आप इन सोप्स की जगह एक अच्छा शावर जेल यूज कर सकते हो एंड आई रिकमेंड कैलेस्टा बेरी ब्लश सूदनिंग एंड नरिशिंग शावर जेल। ऑल्दो इट्स अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, लेकिन गाइज आप जानते हैं कि मैं आप तक सिर्फ वही प्रोडक्ट्स लेके आता हूं जो कि मैं पहले खुद यूज करता हूं। एंड गाइज दिस प्रोडक्ट इज अमेजिंग, नो सल्फेट पैराबेंस एंड सिलिकॉन्स एंड इट सूट्स ऑल स्किन टाइप। गाइज जो की इंग्रेडिएंट्स हैं इसके वो है स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैमबेरी एंड रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट। एक नेचुरल फ्रूटी सी स्मेल के साथ साथ जो बॉडी को नरिशमेंट देता है ना ये, वो गाइज सीरियसली बहुत अल्टीमेट है। यूज करना काफी सिंपल है, इसको आप नॉर्मली अपने स्पॉन्च या लूफा या फिर जिसके साथ भी आप इसको यूज करना चाहिए आप इसको कर सकते हैं। इंस्टेंट सूदनिंग इफेक्ट आपकी स्किन पे आपको देखने के लिए मिलता है। एंड गाइज शावर लेने के बाद आपको यूज करना है इनका बेरी ब्लश डीप स्किन मॉइस्चराइजिंग बॉडी योगर्ट। एंड गाइज जैसा इसका नाम है इसका काम भी वैसा ही है। गाइज ये बहुत अच्छे से स्किन को जो है वो डीप मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है। इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रेप्स, मलबेरी, बियर बेरी, पॉमिग्रेनेट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जैसे बहुत सारे ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट्स फॉर द डीप एंड गुड मॉइस्चराइजिंग। और इसकी स्मेल, अब इंग्रेडिएंट्स इतने ब्यूटीफुल हैं तो स्मेल तो ब्यूटीफुल होगी ही। एंड गाइस सिर्फ विंटर्स में नहीं समर्स में भी आप इनको जो है वो यूज कर सकते हैं, लिटरली दिस स्मेल्स वेरी गुड। तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, बट वेट There is more। Specially for you guys, Calesta brand की तरफ से मिलेगा extra 25% off। तो guys link मैंने description में दिया है along with the special discount code। अगर आपको order करना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। Point number 3 scrubbing या फिर using exfoliating face wash। अब guys देखो normally हम अपनी skin को जो है वो week में at least 2 times जो है वो scrubbing या फिर exfoliate करते ही हैं। मैंने आपको अपनी बहुत सारी skin care videos में already बताया है। But guys in winters क्योंकि हवा में moisture already बहुत कम है और आपकी skin already बहुत ज़्यादा dry है, तो 2 to 3 times scrubbing या फिर एक्सफोलिएट करना उसको और ज्यादा वर्स्ट बना सकता है। और स्पेशली अगर आप ये ब्रश वाले फेस वॉश यूज करते हो जिसको मैं जो है वो पर्सनली मना करता हूं अपनी वीडियोस में, लेकिन अगर आप करते हो और वो भी रोज, डोंट। तो गाइज वीक में 1 times स्क्रबिंग या फिर एक्सफोलिएटिंग काफी है, स्पेशली ये दिसंबर जनवरी फरवरी वाली कड़कती ठंड में। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेन लाइफस्टाइल फैशन फिटनेस के ऊपर आपको कंटेंट देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक भी जरूर कर देना। एंड गाइज आपका भाई जो है वो इसी तरीके का कंटेंट अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी बनाता है, तो अगर आपने भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, क्यों नहीं किया, तो ये रहा भाई का यूजर नेम, जाइए अभी फॉलो कीजिए और आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 वॉश योर हेयर विद कोल्ड वाटर। बालों में ड्राइनेस, स्कैल्प में ड्राइनेस, ब्रेकेज ऑफ हेयर्स एंड सबसे वर्स्ट डैंड्रफ, ये सब आपको होता है इफ यू आर वॉशिंग योर हेयर विद हॉट वाटर और वार्म वाटर। गाइस सेम लॉजिक है, हॉट वाटर आपके बालों से और आपके स्कैल्प से भी वो सारे एसेंशियल ऑयल्स भी निकाल के ले जाता है और उनके बिना आपकी स्कैल्प और जो आपके हेयर हैं वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं और इसी की वजह से वो आपको हाई लेवल का डैंड्रफ होता है। एंड गाइस आपको पता है डैंड्रफ सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपके बालों का, सो ऑलवेज यूज कोल्ड वाटर स्पेशली अपने बालों के लिए। और अगर ठंड ज्यादा है तो आप उसको मिक्स कर लो, मतलब रूम टेम्परेचर तक उसको बना लो। कहने का मतलब यह है कि आपके स्कैल्प के ऊपर पानी आपको ठंडा महसूस होना चाहिए ना गरम।
पॉइंट नंबर 5, डू इंटरनल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको इंटरनली अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपने अपने फिटनेस वाले भाइयों से सुना होगा कि 70% आपकी जो है वो डाइट काम करती है और 20-30% आपका वर्कआउट। गाइज, सेम गोज फॉर दिस। गाइज, अगर आपकी डाइट में एसेंशियल विटामिंस और मिनरल्स ही नहीं है तो आपकी स्किन डेफिनेटली सफर करने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पानी। गाइस, सर्दियों में ऑटोमेटिकली हमारा वाटर इनटेक जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्यास ही बहुत कम लगती है। एंड इट लीड्स स्किन डिहाइड्रेशन एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो भाई, सॉल्यूशन काफी सिंपल है। आप जो है वो सीजनल फ्रूट्स जरूर खाएं। आपका जो बजट है, आप वो वाला फ्रूट लें, लेकिन फ्रूट्स जरूर खाएं। एंड गाइस, दिन में 3-4 लीटर पानी जरूर पिएं, क्योंकि 70% शरीर जो है वो पानी से ही बना है। सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, पानी ढंग से जरूर पिएं। एंड गाइस, मेक श्योर यू चेक कैलेस्टा बॉडी शावर जेल एंड डीप स्किन मॉइस्चराइजर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद द डिस्काउंट कोड। एंड गाइस, अगर आपको कोरियन स्किन केयर टिप्स के ऊपर एक कमाल का वीडियो देखना है, तो आप जो है वो इस कार्ड पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस। यू कैन डू एनीथिंग।